भाजपा के मिली भगत से बनाने का प्रयास है। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, किसके भरोसे में कांग्रेस का माहौल बनाएंगे? आपके स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, वो गुजरात की ओर आने ही भूल चुके हैं 2017 की हार के बाद में, वो पदयात्रा में निकले हुए हैं, क्या कमाल करेंगे। जिनको आपने गुजरात का प्रभारी बनाया था अशोक गहलोत, उनकी इज्जत के कपड़े तो आपने राजस्थान में उतरवा दिए, गुजरात में क्या कमाल करेंगे। आप अपने हाथों से अपनी गर्दन कटाए हुए हैं, इसके बाद भी कमाल की उम्मीद कर रहे हैं? वाकई कमाल नहीं है ये? डॉक्टर साहब, यात्रा शुरू होने से एक रोज पहले राहुल गांधी जी ने गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम और अहमदाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम किया था। संभवतः मीडिया के साथियों को ध्यान नहीं रहा और उन लोगों ने, आप तो जानते हैं आजकल मीडिया भी गुणगान किस तरह करती है, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में तो इसलिए चर्चा का केंद्र शायद बाकी जगहों पर नहीं बना, लेकिन गुजरात के लोग जानते हैं राहुल गांधी जी का कमिटमेंट। गुजरात के लिए हमने 8 वचनबद्धता जो अपना संकल्प पत्र दिया है, और हम वादा नहीं करते, हम संकल्प रियल में कर रहे हैं और उनको पूरा करेंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है, ये पहले से उनका था और वो ऑलरेडी चाहते हैं गुजरात में एक नए ध्रुवीकरण और नई राजनीति हो, स्वस्थ राजनीति हो, जुमले की राजनीति नहीं हो। गांधी जी का वो धरती है, गांधी जी की धरती पर जिस तरह से शराबबंदी के नाम पे मखौल उड़ाया जा रहा है और शराब से लोगों की जान जा रही है और जिस तरह से ड्रग की वहां खेती हो रही है, एक तरह से देखा जाए खेप आ रहा है, उससे नौजवानों का भविष्य कहीं ना कहीं असुरक्षित है। गुजरात के विकास और गुजरात का पुनर्निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी का आना जरूरी है और हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। गहलोत जी के संदर्भ में आप एक शब्द न बोले, एक लाइन तो छोड़िए, जो पद है इतना खारिज कर दिए अपने संभावित अध्यक्ष जिन्हें मान रहे थे आप, एक जरा से विधायकों ने उनके समर्थन में आवाज क्या बुलंद की, आपने उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा जो आपके गुजरात के प्रभारी हैं? नहीं, गुजरात के प्रभारी जो हमारे हैं रघु शर्मा जी हैं आज के समय में, और उनको एक ऑब्जर्वर सीनियर नेता के तौर पर उनको बनाया गया है, वो पूरी अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ वहां समय देंगे और उनका दिशा निर्देश, उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा, कांग्रेस पार्टी विजय होगी। गहलोत साहब पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी के प्रति समर्पित हैं, उनका अनुभव पार्टी भी लेगी और उनके नेतृत्व में गुजरात में एक नई पौध आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ वो सिस्टम नहीं, बल्कि उसे युवाओं का भविष्य वहां सुरक्षित होगा, किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे खाईकरण किया जाए, इन सारे मुद्दों के साथ मैं विक्रम जी के पास चलूं। उससे पहले डॉक्टर अजोपाध्याय आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। भाजपा ने अभी कुछ समय पहले ही अपने मुख्यमंत्री और मंत्री सारे बदल दिए नए लोगों को मौका देने के लिए। ऐसे हमें सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जो भाजपा के प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि हम हर कार्यकर्ता को मौका देने में यकीन रखते हैं, इसलिए बदलाव किया गया। इस बदलाव के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब, सबको पता है कि किस तरह गुजरात में मुख्यमंत्री ही सिर्फ नहीं बदले हैं, अपने एक एक मंत्रियों को भी बदलना पड़ा इनको, और जिस तरह वहां सुशासन चल रहा था उससे जनता नाराज है, ये सबको पता है। और जिस मुख्यमंत्री को इन्होंने बदले